मसले हुए आलू में सबसे पहले हम मिलाएंगे हरी मिर्च, फिर अदरक, नमक, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, और जीरा पाउडर। बनाएंगे ऐसे गोल गोल लोइयां बना लेंगे, थोड़ी हल्की सी इसे टिपटी कर देंगे। फ्राई के लिए देसी घी डालेंगे। देसी घी को तब तक गर्म करेंगे जब तक तेज आंच पे इसमें से ये खूब अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए हाई फ्लेम पे। तब तक जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम ड्रेसिंग के लिए दही में को हल्का सा फेंट लेंगे जिसमें हम टिकिया डाल के छान सकें। नहीं तो आलू टिक्की टूटने लगती है। अच्छे से गर्म हो चुका है जिसमें हम ये अब छोटी छोटी टिक्कियां जो पहले से जो बनाई हुई हैं इसको हम
हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका रंग आया है, कितना सुंदर लग रहा है। से देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी और सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए एकदम एकदम खूबसूरत है, एकदम स्वादिष्ट भी। और इसको हम दही के साथ खाएंगे।